दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर काउच में शुभांकर पर। जी हाँ दोस्तों, इतने महीनों से एपिसोड दर एपिसोड हम करियर के एक एक नए पन्ने को उलटते जा रहे हैं और आपके सामने हम लाते हैं शिक्षा से जुड़े हुए कई ऐसे पहलू जिससे पहले आप कभी टच में नहीं थे। कई बार हमसे पूछा जाता है कि बात करियर की होती है, फिर हम लोगों ने कई बातें ऐसी भी की जो कि सीधे सीधे शायद करियर से मायने नहीं रखती थी, लेकिन हमें लगा कि जहां पे भी शिक्षा की जरूरत है वहां पे हम शिक्षा को पहुंचाएं, चाहे वो बात हमें कानून व्यवस्था को लेकर हो, कानून पालन को लेकर हो, चाहे वो बात कोविड में किस प्रकार से हम अपने आप को संयम बरतकर दूरी बना के रख सकते हैं। बहुत अंदर से इच्छा होती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग पर हम लोगों ने बातचीत की। हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत आपसे करवाते हैं कि आखिर आपको अपना हेल्थ कैसे अच्छा रखना है, तब जाके आप अपने करियर पर ध्यान दे पाएंगे। इन सब सिलसिलों के साथ चलते हुए आज हम एक नई पृष्ठ को पलटते हैं, एक नए पेज पर आते हैं, एक नए पन्ने पर आते हैं। और हमारे साथ आज हैं यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, शायद ये नाम लखनऊ में सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आप हेड ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन SGPGIMS हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं देखते हैं, आप सॉटो के भी हेड हैं। इसी के साथ साथ, खैर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो शायद जिसको कहते हैं ना कि एजुकेशनल बेंचमार्क, शिक्षित होना, शायद माँ सरस्वती स्वयं आके इनके साथ बिल्कुल विराजमान है, इनके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है। वी हैव गॉट वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड डॉक्टर्स इन लखनऊ विद अस। मैं अभी बात कर रहा था कि ये हेड ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन SGPGIMS है, उसके साथ साथ आप प्रोफेसर फॉर मेडिसिनल साइंसेस, आप सुपरिंटेंडेंट फॉर राजधानी कोविड हॉस्पिटल, आप हेड ऑफ स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट जिसको कि सॉटो कहते हैं, आप मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कैंसर सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट। तो शायद अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बेहतर कोई नहीं होगा जो कि आपको मेडिकल करियर के बारे में और हमारी जो स्वास्थ्य के बारे में जो अप्रोच है उसके बारे में, इनसे अच्छा कोई शायद ही बात कर सकता हो। सो डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत प्राइम टीवी के स्टूडियो पर करियर काउच के इस प्लेटफॉर्म। शुभंकर जी, इट्स अ प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी हियर विद यू एंड विद यू थ्रू यू टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब मेडिकल साइंस की बात आती है, मैं जब आपका पूरा मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड देख रहा था तो सच बात बताऊं तो कहीं ना कहीं सीना चौड़ा हो गया कि आज पहली बार जो है मैं ये मंच किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति के साथ साझा कर रहा हूं जिन्होंने शायद मेडिकल साइंस का शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जो इन्होंने न पलटा हो। मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि आपका जो शिक्षा का जो पूरा बैकग्राउंड रहा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, ये कैसे रहा? आपने हाउ डिड यू एक्चुअली प्लान टू स्टडी सो मच? Very well put. You know, when I was in my schools, I read about Dr. Srikanth Jechkar, and there was a news about him that Dr. Srikanth Jechkar did his medicine, did his engineering, did his law, made it to civil services, did MA in 13 subjects, was also MLA. He wrote multiple many books. That too at a very such stage, such but a very very early age. So, and I had a, you know, somehow a flair for reading. It was like more than eating or sleeping. From the very early childhood, I was just 10 years, 2 months old, when I was first published by Times of India and got my first account paycheck at the age of 10 years and 2 months. That is, that apart, I was born in a doctor's and bureaucrat's family, wherein books were this natural accompany. I mean, I grew up while being surrounded with the books.
And my father was a doctor. He was doctor turned administrator. He retired as director. So it was something but natural to pick up the habit of reading. And then when you start reading, you start thinking, you start writing. It all was just natural consequence. Right, right. It all built up on its own. So since I was reading almost all subjects available unto me, not only the course books, so that helped me understand the larger, the broader, the wider perspective of life. That brought a phenomenal shift in my thinking. I mean, the way I perceived the world. Then I thought, then how do I contribute to the cause of my own being on the planet Earth? So that I thought, we are piece of life, and it's better to touch life. So I chose to be in medicine. And thereon my specific journey began, wherein I somehow I get into. बचपन से ही एक माहौल था हमारे घर में पढ़ने और पढ़ाने का, और उससे एक सहज अनुराग मेरे में पढ़ने के लिए पैदा हो गई. और मुझे लगा कि वी आर लिविंग क्रीचर्स, लेट मी टच लाइफ. एंड इट वॉज बड़ा नेचुरल चॉइस था मेरे लिए. मेरे फादर भी डॉक्टर थे, एंड आई वर्कड एंड आई गॉट इन टू एम्स. आई मीन लोग कहते थे कि एम्स में पहुँचना मतलब आपने हज कर लिया मेडिकल साइंस में. इट्स लाइक दैट. So somehow I got into AIIMS and I continued there. I did my post graduation. I did my subsequent to post graduate training at AIIMS. And by virtue of my inherent interest, मेरा एक सहज अनुराग था पढ़ने के लिए, तो मैं कभी सीमित नहीं रहा अपने किसी एक विषय को ही पढ़ने के लिए. तो मैंने 4-5 विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें जीरियाट्रिक्स भी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पब्लिक हेल्थ भी है, मेडिकल एथिक्स भी है, LLB लॉ भी किया है मैंने. So it helped me understand जो मेरा पेशा अब हो गया है, जो मेरा प्रोफेशन है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. सो आई कैन अंडरस्टैंड द एंटायर रेंज. मैंने मेडिसिन भी पढ़ा है, मैंने मैनेजमेंट भी पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है, लॉ भी पढ़ा है, एथिक्स भी पढ़ा है. सो इससे जो इट हैज़ हेल्प मी गिव मी दैट हेल्प मी डेवलप दैट वे ऑफ लुकिंग, दैट वो इनसाइट मेरे को दिया, ताकि मैं हर परिस्थिति को का सम्यक मूल्यांकन कर सकूँ. सो दैट हेल्प मी grow or upbring or craft or design my thinking or my way of looking at the things in a holistic way, in a realistic way, and in an amicable way to reach to a solution, whatever confronts my hospital where I stand today. Wonderful. So Dr. Sahib, how exactly, you said that you have done specialization in 5 subjects. तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया 5 सब्जेक्ट्स में, यू हैव टेकन अ हेल लॉट ऑफ, आई थिंक इट हैज एंटेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडीज, यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च वर्क. थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएं कि आपने अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन की वो कहाँ से की, किस प्रकार से की, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एम्स जाने के पहले मैं BHU में मैंने जेरियाट्रिक्स में डिप्लोमा करा, और उसी वक्त आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड आई डिड अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज. आई did fairly well, but I didn't get something जो मुझे चाहिए था. तो मैं, मेरे पास बहुत सारे options खुले थे कि मैं सर्जरी में जाऊँ या इंडिया से बाहर चला जाऊँ. बट आई थॉट कि नहीं, मुझे प्रशासन में ही रहना है. तो मैंने फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ज्वाइन किया पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ पर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करी. MD हॉस्पिटल करा हमने, फिर हमने वहीं पर सीनियर रेजिडेंसी करी अस्पताल प्रशासन विभाग में ही. और एम्स में इतने शीर्ष संस्थान जो देश का है, और उसमें प्रशासन में अहम पद पे या अहम लेवल पे होते हुए मुझे बहुत बहुत वाइड एक्सपोजर मिला प्रशासन का, अस्पताल प्रशासन का, जहाँ पे हम लोग निर्णय डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते थे हर दायरे में और हर लेवल पे, और पूरे वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे मैंने काफ़ी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे एम्स ने दी, एंड दैट हेल्प मी. एंड वाइल डूइंग ऑल दिस मैंने कनकरेंटली थ्रू कॉम्पिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में से LLB भी मैंने एडमिशन ले लिया. एंड देयर आफ्टर हमने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया, एंड देन आई नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मैंने मेडिकल एथिक्स में डिप्लोमा भी किया. सो समहाउ आई After having completed my post graduation in hospital administration, when I was doing my senior residency at AIIMS, that gave me little more liberty to broaden my horizon. मेरे अपने को दायरे को बड़ा करने का मौका मिला, उसको विस्तृत करने का मौका मिला, और मैंने वो सारे आयाम को छूने की कोशिश की जो मुझे एक बेहतर प्रशासक बना सकते थे. डॉक्टर साहब, अब मैं आपके स्पेशलाइज लाइन पे आता हूँ, जो कि आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है.
आप SGPGI जो कि हमारे देश का एक जाना माना संस्था है, SGPGI को आप उसका पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंदर, किस प्रकार से आपको लगता है ये जो PGI का कंप्लीट मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आप कैसे कर लेते हैं? मैं अक्सर ये कहता हूँ, जितने भी प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स या टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं अक्सर ये शुरुआत जो हमारी प्रोग्राम की वेलकम इनॉग्रल पार्ट होता है, जहाँ वेलकम रिमार्क्स हम देते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ योर इलेक्ट्रिक फैन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम एट योर होम, आप किसको बुलाएंगे? आप विल यू कॉल कारपेंटर? You won't call a carpenter to take care of your air conditioning system. So, अब वो समय नहीं रहा जहाँ पे कि कोई भी आकर अस्पताल चला लेगा. आज के समय में जब हर जगह स्पेशलाइजेशन का दौर है, विशेषज्ञता की जरूरत है, विषय विशेष की विशेषज्ञता चाहिए. You have to be specialized in specific area of the work. तभी आपकी अहमियत है. तो अस्पताल प्रशासन भी अब एक जर्नलिस्ट की बात नहीं रह गई है जहाँ कोई भी अस्पताल प्रशासन कर लेगा. तो अस्पताल प्रशासन में, जैसे आपने शुभंकर जी ने पूछा कि आप कैसे कर लेते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अस्पताल प्रशासन में जो जिसने पढ़ाई करी है और ट्रेनिंग लिया है, उसके लिए PGI तो फिर भी छोटा उससे है. तो ये तो बहुत सहज है मेरे लिए. तो अब तक कभी इट वॉज नेवर अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन फॉर मी एट PGI टू टेक केयर ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डायमेंशंस एट PGI. रादर वी यूज्ड टू बी टोल्ड एट बाय आवर टीचर्स एट एम्स दैट कि हम आपको उस लेवल तक तैयार कर देंगे जिस लेवल तक के चैलेंज आपको शायद ही कभी लाइफ में मिले, बट यू स्टिल प्रिपेयर फॉर दैट चैलेंज, सो दैट जो भी चैलेंज आपको लाइफ में आगे मिलता है वो उससे कमतर रहेगा और उसको हैंडल कर पाओगे. दैट्स द प्राइम मोटिव ऑफ एम्स. दैट्स वेरी वेल सेड सर. एक्चुअली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बात की और मैंने PGI के बारे में पूछा, ये और ज्यादा स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने अपने इस रिजीम के दौरान पैंडेमिक भी देख लिया, और पैंडेमिक संभालना जहां तक सरकार के लिए इतना मुश्किल हो चुका था, जिसमें से SGPGIMS एक ऐसी संस्था है जहां पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का जो भार था, एक बहुत बड़ा रोल आप लोगों ने अदा किया. तो कितना कठिन था कोविड को हैंडल करना? बहुत दुष्कर था, बहुत मुश्किल था, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इस तरह के इतना कॉन्टेजियस, इतना फैटल और इतनी ज़्यादा ही हाई मोर्टैलिटी मॉर्बिडिटी और इतना ज़्यादा स्प्रेड, पहले के पैंडेमिक्स तो होते रहते हैं वर्ल्ड में. जब हम लोग पढ़ते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, तो पैंडेमिक्स तो वर्ल्ड में होता रहता है, कभी SARS का, कभी मैनी पैंडेमिक्स दैट कीप ऑन अकरिंग और हैपनिंग. लेकिन जहाँ तक कोविड की बात थी, ये इसका स्प्रेड बहुत फास्ट था और ये बहुत फैटल भी था, और इट केम सडनली, इट डिडंट गिव अस चांस टू प्रिपेयर. वो फेमस कनिका कपूर का केस जब लखनऊ में आया था, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन वी वोक अप. सो वी जस्ट स्टार्टेड, यू नो, और हमारे प्रोफेसर RK धीमन जो हमारे डायरेक्टर हैं SGPGI, he just joined our institute as director of the institute. So the moment he joined, and then there was a big challenge before him, but somehow he with his insight and wisdom guided us, and we started our, you know, preparation to take care of the COVID management at PGI for the entire populace of Uttar Pradesh, which actually began with a 10 bedded COVID unit in the main PGI, which was further expanded or escalated to 210 bed ke फुल फ्लेजेड कोविड हॉस्पिटल में, जो टर्सरी केयर लेवल पे था और पूरे प्रदेश का अकेला ऐसा कोविड सेंटर था जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध थी. सो उस 10 बेड के कोविड यूनिट से, 210 बेड के कोविड अस्पताल की यात्रा लगभग 18 महीने में पूरी हुई, और हम लोग कोविड के चैलेंज जैसे जैसे बढ़ती गई, हम लोग उससे सीखते रहे. वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा था और बाकी विकसित देशों में हम उसके लिए उससे वाकिफ थे, हम जागरूक थे, हम उससे सीख रहे थे, हम भी प्रयोग कर रहे थे. हम लोगों ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे इंटरवेंशन इंस्टीट्यूट किए, और वी डिजाइंड आवर सिस्टम इन सच अ वे दैट वी वर एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट, एंड वी कुड स्टैंड अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेडिकल साइंस एट दोस टफ टाइम्स इन द फर्स्ट वेव एंड द सेकंड वेव व्हेन द कोविड स्ट्रक द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश. वेल सेड सर. सर, जैसे कि आपने बताया कि कोविड के दौरान में ये बहुत ही मुश्किल हो चुका था, बहुत मुश्किल की घड़ी थी, और वो भी एक SGPGI जैसे एक संस्था के लिए, कि जहाँ पे 10 बेड के आपके पास एक सीमित एक दायरा था, उसको आप बढ़ाते हुए 210 बेड तक आप लोग ले गए, और अब वो फुल फ्लेज एक, उसके साथ ही आप जो राजधानी
कोविड हॉस्पिटल भी आप मैनेज कर रहे थे, ये भी आपके अंतर्गत में आ चुका था। अब मुझे थोड़ा सा बताएं एक बात, कोविड अभी गया नहीं है, अभी भी है और इसकी म्यूटेशंस इतने सारे नए नए रूप लेके आ रही हैं। अभी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाला है या शायद आ चुका है, हमें नहीं पता। डॉक्टर साहब, क्या अब हम प्रिपेयर्ड हैं? अगर आप देखें कि जो कोविड की तैयारियां संस्थागत स्तर पे की गई, चाहे पीजीआई हो या आरएमएल हो या किंग जॉर्ज हो, या विभाग के स्तर पे किया गया हो, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, या सरकार के स्तर पे किया गया हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से, जो पहला वेव आया था, वी वर ऑल कॉट अनअवेयर्स, सो थोड़ा समय लगा और वो पहला वेव आया एंड इट प्रोटेक्टेड, काफ़ी लंबे समय तक ये चला। सो वी हैड टाइम, हम उस वेव को मैनेज भी कर रहे थे और अपनी क्षमता का उन्नयन भी कर रहे थे, उसको बढ़ा भी रहे थे। और सेकंड वेव के पहले तक हमारे पास 3-tier का स्ट्रक्चर हमारे यूपी में हो चुका था, थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, SGPG एंड अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेसर धीमन एंड अदर की पीपल हु प्लेड की रोल। और सेकंड वेव तक तो हम वी वर वेरी वेल इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ दी कोविड सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिकॉज एंड इन फॉर एंटायर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवरीबडी यूज्ड टू लुक एट PGI, कुछ भी हो रहा है PGI, नो हाउ वी क्रॉस्ड और नेविगेटेड थ्रू दैट सेकंड वेव स्पैन, अप्रैल मई कैसे गुजारा मुझे पता है कि फोन नेवर यूज टू स्टॉप, who were admitted in the PGI COVID hospital, but Professor Dhiman and the entire team, Professor Dhiman, Director PGI, ने 17-18 task force constitute किए to take care of every dimension. So it was a very professional management of COVID that PGI did, wherein there were 17 task force were constituted, और हर task force के दायरे में COVID care का पूरे जो उसका फलक है, पूरे जो दायरा है, पूरा स्पेक्ट्रम है, उसका एक पार्ट उनके पास था। और देन एवरी टास्क फोर्स हैज गॉट टीम मेंबर्स, देयर वाज पीरियोडिकल रिव्यू, देयर वर लेसंस लर्न्ड फ्रॉम द प्रीवियस वीक, एंड वी केप्ट ऑन इंप्रूविंग आवर ओन परफॉर्मेंस। दैट वे वी केप्ट ऑन विनिंग द ट्रस्ट, रिड्यूसिंग मोर्टैलिटी, कंटेनिंग द स्प्रेड, देन वी ऑल्सो मूव्ड ऑन टू वैक्सीनेशन पार्ट। नाउ एज रिगार्ड्स योर क्वेश्चन, जो आपने पूछा मेरे से थर्ड वेव की बात, तो देर आफ्टर गवर्नमेंट इट सेल्फ, गवर्नमेंट ऑफ यूपी अंडर आवर CM योगी जी एंड सेक्रेटरी मिस्टर आलोक कुमार मेडिकल एजुकेशन, मिस्टर अमित मोहन प्रसाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ, दे ऑल वे आर वेरी पर्टिकुलर, मंत्री माननीय मंत्री खन्ना साहब एंड जयप्रकाश जी, दे वेर ऑल वेरी पर्टिकुलर एंड दे ऑल डिजाइंड अ वेरी वेल निट प्लान फॉर द थर्ड वेव एंड डायरेक्टिव केम फ्रॉम दिस टाइम गवर्नमेंट इट सेल्फ कि हमने या हर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या तैयारियां करनी है। एंड देर रिव्यू मीटिंग्स एवरी वीक, देर वर पीरियोडिकल वीकली रिव्यू मीटिंग्स, सो दे हैज बीन डेफ्ट प्लानिंग एंड वेरी प्रिसाइज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रिपेयर्डनेस फॉर द थर्ड वेव बाय ऑल द मेडिकल केयर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ यूपी अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड आवर इंस्टीट्यूशन हेड प्रोफेसर धीमन। सो आई वुड से दैट फॉर द थर्ड वेव द इंस्टीट्यूट, the departments and the government are very well prepared. Right, sir. Sir, when we say that we are well prepared, but we have actually seen the dearth of provision of medical equipments, medical supplies. ये दिक्कत आई थी जब सामान कम पड़ गए थे, दवाइयाँ नहीं उपलब्ध थीं, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होती थी, और इस बात से एक चीज़ समझ में आने लग गई थी कि हम लोगों के पास एक प्रॉपर मेडिकल, एक मैनेजमेंट सिस्टम की कहीं ना कहीं कमी है। आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते हैं, वो भी एक SGPGI जैसे एक बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूट का। सर, अब बात आती है करियर की। क्या हमें नहीं लगता कि इस प्रकार से एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इनफैक्ट पैंडेमिक एडमिनिस्ट्रेशन या पैंडेमिक मैनेजमेंट का एक पूरा एक क्राइटेरिया होना चाहिए और इसमें एक बहुत बड़ा करियर है और बहुत ऐसे आप जैसे लोगों की इस समय आवश्यकता है जो पूरे देश के इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि अब भगवान जाने और कितने पैंडेमिक्स बाकी हैं अभी सामने आने को। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम तैयार हैं? क्या ये जो लाइन है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये और वाइडेंड होना चाहिए, और लोगों की इस समय जरूरत है? तो अभी जो करियर एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? मैं इतना दो बातें इस पे हैं। एक, जहाँ तक आपने कहा पैंडेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एज ए पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग
during our undergraduate and postgraduate days, we are well trained to take care of pandemic, of whatsoever pandemic, prosodemic, endemic, epidemic, we are trained to take care of them. And then at AIIMS per se, there is a specific division, we call it DOPRC, Disease Outbreak Prevention and Response Cell. अभी recently as the PGIMS ने भी constitute किया है, Integrated Disease Surveillance Project Cell भी IDSP establish किया है, और ये जल्दी ही इसका ये क्रियाशील भी हो जाएगा. तो that way, जहाँ तक training की बात है, एक medical graduate या post graduate की, they are well trained to take care of pandemic. लेकिन pandemic किस तेजी से आता है, संसाधन कितने उपलब्ध हैं, ये इंडिविजुअल ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट डॉक पर निर्भर नहीं करता है, ये संस्थागत व्यवस्था है या सरकार के दायरे में आता है. और इस समय सरकार बहुत सचेत है, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जीडीपी का शेयर बढ़ा दिया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को रीडिजाइन किया है. आज के डेट में जो जीडीपी का परसेंटेज टुवर्ड्स हेल्थ है, ये हाईएस्ट है इन लास्ट मेनी डिकेड्स. And government of UP has also given proper attention to this. Now, as regards to आपके part में दूसरा, आपके प्रश्न में दूसरी बात अंतर नहीं थी, as a career, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि पहले अगर आप देखें, बहुत पहले अगर मैं चलूँ, तो it was a general management जो concept आया था, wherein industries में, खास करके west में, जब industrial revolution हुआ, और Adam Smith, Max Weber, and many other Follett, and many other scientists, they propounded the idea of professional management of industries. And professional management of industries se tremendous growth hua ek capitalism society ka, that led pushed America as a, you know, in a unipolar world ho gaya. In America, I mean, they started dominating the entire world, and all then subsequently few more countries, European countries, and even like Japan, etc., even Korea, all because of professional management of industries. So that प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, यू नो, इसने काफ़ी ट्रस्ट अट्रैक्ट किया कि जो जिस काम को करने के लिए ट्रेंड है, वो उस काम को बेटर परफॉर्म करेगा तो बेटर रिजल्ट आएगा. सो ये फिर उसके बाद एक वक्त आया 1980s का वक्त, जब प्रताप रेड्डी USA से लौट करके इंडिया आए, और उन्होंने फर्स्ट कॉरपोरेट हॉस्पिटल कंट्री में स्टेब्लिश किया बाय द नेम ऑफ अपोलो हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स चेन्नई हैदराबाद में. एंड देन दैट सिस्टम ऑफ कॉरपोरेट हेल्थ केयर इमर्जेंट कंट्री, फिर लोगों को दिखाई दिया कि एक गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है और एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, हाउ दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग बेटर, व्हाई पीपल आर गेटिंग, ऑब्वियसली दे आर एक्सपेंसिव, दैट्स ट्रू, बट देर आर मेनी डायमेंशन दैट वर मच बेटर दैट एट व्हाट इट यूज्ड टू बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. देन एम्स टुक द लीड अगेन, एंड द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन एट एम्स, एंड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ इन द स्पेशलिटी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगेन वॉज commissioned at AIIMS in 1966 only, much before even Pratap Reddy, and that led to a gradual evolution of this branch, that ki agar industry ko chahiye financial manager, human resource manager, material manager, to why can't they, I mean, in the same way hospitals should also be run by professional managers, and it makes a hell lot of difference. Why is it that AIIMS, in all the surveys conducted in the country, stands at number one hospital? Because AIIMS is the one such institute of the country where the hospital administration department is running since last 60 years. So doctors are there taking care of the clinical part of care, and rest of the entire administration is being taken care of by the trained professional hospital administrators who are doctor first. So there are doctor turned managers. That has brought AIIMS what it used to be today for all of us and all of us. In the entire country. In that context, I would say that the time is ripe now to have the healthcare organizations be run by the professionally trained doctor turned administrators, and in that context, SGPGMS offers a very well designed, well crafted, well weaved postgraduate program in hospital administration. We have a degree program, we have a diploma program, we have certifications as well. So there's an entire bouquet of program that one can opt in as per one's own requirement. And those who get admitted through open competition, already level competition, those who get admitted to PGI in the Department of Hospital Administration to earn a postgraduate degree in HA, they are exposed to the entire range of the healthcare administration, that too at an institute like PSGPGI, which usually fared at, which fares somewhere third, fourth rank in the country on all the surveys, and in terms of research output, it is ranked 9th in the world. World rank is 9 in terms of research output of PGI. So that way, whosoever walks into PGI
department of hospital administration which I head, they get tremendous opportunity to get themselves trained into the entire rigmarole of administration from A to Z. And when they once they walk out, they are a transformed lot. It's like a huge machine when you put a raw material and they go through the entire conveyor belt, and the one who moves out is a completely packaged administrator. I mean, I'll tell you example of this batch, which just passed out and result of whom has been declared on Saturday. But prior to declaration of result, all of them were absorbed in government institutions, like all not only government institutions, the best government institutions of UP, like RML, Cancer Institute, GIMS, Noida. They have all been already absorbed. Result aane ke pehle hamare sare jo pass out the, they were absorbed at a pretty good salary ranging 1 lakh something in the first go after getting a postgraduate degree from the specialty of hospital administration, that is the PGIMS. So for those who have got a taste, temperament, attitude and aptitude and flair for administration, and who have got an allopathic medical degree, are welcome to join PGI to do their postgraduate program in administration. And right now we have more demand than I am actually producing in the month. I am, you know, inundated with demands from all corners. Please give me more students, your trained administrators. I don't have that much number with me because the seats are limited. So what I am saying is that the opportunities are very high in this specialty. The possibilities are very high. And this upcoming branch is growing quite a lot. And now every place is specialization. As many as new government institutions are opening, or government hospitals are opening, या मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, उन सभी जगह पे इस विभाग का पद सृजित किया जा रहा है, सो दैट कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कॉर्पोरेट कल पहले से ही था, जो अस्पताल प्रशासन का जिम्मा है, जो उसके लिए ट्रेंड है, वही ये काम करेगा. अगर कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, सो दैट द एफिशिएंसी, द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इज इंश्योर्ड एंड एश्योर्ड फॉर दोज हु पुट देयर लाइफ एट those who repose their trust in the healthcare providers in those hospitals, so that they can get the best output from both the fronts, the clinical care, the ilaaj, or then other dimensions of care, that is we call it health, the medical care. So when clinical care and medical care is put together, it becomes healthcare. So healthcare has got two parts: clinical care, jo actual ilaaj ki prakriya hai, dawa dena, operate karna, ICU manage karna. But to run an ICU, to get an operation conducted in OT, there are thousands other things are required, like OT manage karna, ICU manage karna, staff manage karna, instrument manage karna, equipment manage karna, there are thousand dimensions of financial management hai. All these things are done, then only one operation can be performed in OT. So who takes care of all this? The hospital managers, hospital administrators. So there's a tremendous requirement, wonderful opportunity of training at SD PGIMS and Department of Hospital Administration. For those who have that bent of mind, they're welcome to join us. तो दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और शायद इतनी जानकारी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, और आप जो यंग एस्पिरेंट्स हैं MBBS के लिए और अभी जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक और आयाम खुल जाता है, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है, वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर. बहुत जरूरी फील्ड है दोस्तों. तो आज हम लोगों ने जाना कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से आज के आम जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो चुका है. दोस्तों, बात यही नहीं खत्म होती. अब बात आती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर. जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, तो जी हाँ, हमारे प्रदेश में, जिसमें कि डॉक्टर साहब भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं एज इट्स हेड, दैट इज स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों, ये जो सॉटो की बात करते हैं, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके आपको एजुकेट करता है, आपके मन में जो डर है, जो खौफ है, जो अन्य जो भ्रांतियां हैं, उसको दूर हटाती हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट तो को मदद कर रही हैं कि किस प्रकार से जो रोड एक्सीडेंट्स हो रही हैं या किसी अन्य कारण से अगर कोई मौत होती है, अगर वहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके सिस्टम ऐसा तैयार हो जाए कि जो पार्थिव शरीर है उसको जलाने से पहले या उसके राख हो जाने से पहले, अगर उसमें से कोई ऐसा ऑर्गन जो आपके और हमारे काम आ सकता है, जहाँ पे कि वो ऑर्गन किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसी विषय में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ पे डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन हमारे साथ बने रहेंगे और वो आपको बताएंगे सॉटो से जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ. तो देखना मत भूलिएगा करियर काउच में शुभांकर, अगला एपिसोड सॉटो स्पेशल.
myself, Dr. Tolika Gupta, Assistant Medical Superintendent at Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center, Muzaffarpur, would like to thank Professor R. Harshvardhan sir for inviting me at this platform. To begin with, I would say that the turning point of my life was when I took a decision to change my profession as a dental surgeon to hospital administration in 2016. When I got first rank in a national entrance examination for MHA from SGPGIMS, I was so happy. But the first day of joining was not at all happy for me because I was badly scolded for not attending a surprise admin round along with sir. At that time, I never understood the importance of admin round or meetings or drafts of any minutes, notings or orders, proposal because I was just a master's in hospital administration student at that time. But those were the best real-time experience that I have ever learned being a MHA student at SGPGIMS. Being MHA student, the department has given the best opportunity by inculcating the skills through hands-on training along with core knowledge of hospital administration. After completing my MHA at SGPGIMS Lucknow in 2018, I got selected in my first interview held for the position of district coordinator for Ayushman Bharat program the next month after finishing my exams. After 1 year again in 2019, I got selected as a resident administrator at Super Speciality Cancer Hospital, Lucknow. Now, getting selected at Super Speciality Cancer Hospital in Lucknow was again a turning point of my life because this was the organization where I got the experience of handling things independently as a resident administrator. The SSCI has given the actual taste of hospital administrator through assisting as a resident in charges in commissioning of various hospital services, rather the hospital as a whole, through tenders, recruitment processes, making protocols, attending high level meetings with the government of Uttar Pradesh, that is this attending meet Sashanka meeting in itself is an achievement for any resident. Thank you, sir, for giving such a great opportunity. A very good evening to all. Thank you for having me here today. As mandated by the National Organ Transplant Program, SOTO UP regularly conducts awareness campaigns, and one such campaign which was recently conducted was the awareness campaign on organ donation, Be a Miracle Maker. The awareness campaign was conducted by SOTO UP and Department of Hospital Administration, SGPGIMS Lucknow, and it aimed to sensitize the youth of Lucknow regarding the importance of organ donation and also to dispel the myths that surround organ donation. The awareness campaign showed active participation of students from across 25 schools of Lucknow. The awareness campaign had two parts, the awareness program and the poster making competition, which was organized in a two-staged manner. The awareness program was conducted on every Saturday from between 4th September to 25th September, and the awareness program consisted of a motivational video, an awareness session regarding organ donation, and an open house discussion in which we tried to resolve the queries of the students regarding organ donation. This was followed by the stage 1 of the poster making competition. Every session showed up a participation of up to 400 students, and we received a total of 233 entries for the poster making competition stage 1. The posters received for the stage 1 were assessed by a jury which consisted of eminent personalities from across Lucknow, Mrs. Anita Bhatnagar Jain, IAS and additional chief secretary, retired from Government of UP, Professor Punita Lal, the HOD of Radiotherapy from SGPGIMS Lucknow, Professor Shubha Phadke, the HOD of Medical Genetics from SGPGIMS Lucknow, Dr. R. Harshvardhan sir, the Nodal Officer of SOTO UP and the HOD of Hospital Administration, SGPGIMS, Mr. Hari Mohan Madhav, journalist from Sahara India, and Mr. Rajan Shripad Fulari, Assistant Professor from Faculty of Fine Arts, Lucknow University. The jury screened all the posters, and a total of 65 posters were selected for the stage 2 of the competition. The stage 2 was subsequently conducted on 9th October, and the winners of the stage 2 competition will subsequently be felicitated on the Indian Organ Donation Day at SGPGIMS.
So too UP is dedicated to the cause of creating awareness regarding organ donation, and many such programs are lined up to be conducted in the future.